इसमें हमने ये देखा था कि अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट है तो उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया जाएगा इनिशियली, और जितनी भी उसकी ट्रांजैक्शन कॉस्ट आएगी यानी उसको बाय करने में जितनी भी हमने कमीशन या ब्रोकरेज कॉस्ट पे की हैं वो सब उसके अंदर कैपिटलाइज होंगी। दूसरा, हमने ये देखा था कि अगर कोई फाइनेंशियल लायबिलिटी है से वो ट्रांजेक्शन कॉस्ट या जो इश्यू कॉस्ट है वो माइनस की जाएगी। मोटिव हमारा क्या है, हम चाह क्या रहे हैं करना, हम ये चाह रहे हैं कि जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो उस पर्टिकुलर ईयर को चार्ज ना हो जिस साल में ये फंड्स रेज किए गए हैं या इन्वेस्टमेंट की गई है, बल्कि जितने भी सालों के ऊपर इसकी स्प्रेडिंग होगी उतने सालों के ऊपर इसका खर्चा चार्ज होना चाहिए। तो कल हमने इसका एक क्वेश्चन, फाइव मिलियन के बॉन्ड्स थे और 0.2 मिलियन के प्रीमियम पे इनको रिडीम होना था। इफेक्टिव इंटरेस्ट भी 5% था और ट्रांजेक्शन कॉस्ट 1,64,040 थी, तो उसमें हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज किया और अमोर्टाइज किया और ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। अच्छा, उसके अलावा हमने ये एक सिस्टम देखा था कि फाइनेंशियल एसेट्स की जो क्लासिफिकेशन होगी वो होगी या तो एफईटीपीएल पे, या तो एफईटीओसीआई पे, या तो अमोर्टाइज कॉस्ट पे, लेकिन ये मैनेजमेंट की चॉइस नहीं है बल्कि ये एक सिस्टम डिजाइंड है बाय IFRS 9 जिसके तहत हम ये क्लासिफिकेशन करते हैं। अच्छा, अब हम एक नजर लायबिलिटी वाला एरिया थोड़ा कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको फर्दर देखते हैं। बात करते हैं कि अगर हम बॉन्ड इशू करते हैं तो, और ट्रांजेक्शन कॉस्ट की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। लेट्स से एंटिटी एच है, वो बॉन्ड्स इश्यू करती है फाइव परसेंट बॉन्ड्स, 5% जो जो भी परसेंटेज इंस्ट्रूमेंट के नाम के साथ लिखी जाएगी वो कूपन कहलाएगी। हमने 5% वाली एग्जाम्पल की थी, आज हम 7% वाली करते हैं। और उसकी नॉमिनल वैल्यू हम रखते हैं 3 मिलियन। ठीक है, हमने 3 मिलियन पार वैल्यू पे 7% बॉन्ड्स इश्यू किए हैं एंड दीज आर रिडीमेबल एट पार आफ्टर 4 इयर्स, 4 साल के बाद ये पार पे ही रिडीम होंगे। इसको इश्यू करने में से हमारा 99,364 डॉलर्स का खर्च आया था। इश्यू कॉस्ट के बेसिस पे इसका इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है 8%। ओके, आप मुझे बताएं कि इनिशियली हम फाइनेंशियल लायबिलिटी किस वैल्यू पे बैलेंस शीट में शो करेंगे।
उसके वाले से स्टैंडर्ड ने क्या कहा है कि आप रखेंगे इनिशियली उसकी फेयर वैल्यू पे और उसमें से माइनस करेंगे उसकी ट्रांजेक्शन कॉस्ट। यस, लेट मी नो कि हम लायबिलिटी को इनिशियली किस वैल्यू पे शो करेंगे। ₹29,00,636 पे देखते हैं। एनीवन एल्स? इसकी इश्यू कॉस्ट है 3 मिलियन, सॉरी इसकी फेयर वैल्यू है 3 मिलियन और इश्यू कॉस्ट है 99,364। एसेट के केस में प्लस किया जाता है, लायबिलिटी के केस में माइनस किया जाएगा एंड द आंसर इज 2,900,636। अच्छा, अब सब्सिक्वेंटली हमने अभी लायबिलिटी के हवाले से पढ़ा नहीं है, लेकिन इसमें मैं बता रहा हूं अगर हम उसको अमोर्टाइज कॉस्ट पर रखते हैं तो पहले रखा बीडी बैलेंस, उस पर चार्ज करेंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट, माइनस करेंगे कूपन और फिर आ जाएगा हमारा सीडी बैलेंस। बीडी बैलेंस कितना आ गया? 29,00,636। इस पे इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है? 8%। क्या बनेगा इसका 8%? ठीक है, कूपन कितना पे होगा? 7%, 210,000। ओके, देखिए हमारी जो इफेक्टिव कॉस्ट है वो ज्यादा है, करीबन 22,051 रुपए ज्यादा है। ये बेसिकली उस एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कवर कर रही है। तो सीडी बैलेंस कितना आ जाएगा? 1st साल में हम फाइनेंस कॉस्ट डेबिट करेंगे 2,32,051, क्रेडिट करेंगे कैश 2,10,000, बाकी $22,051 हमारी लायबिलिटी में प्लस हो जाएंगे और लायबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी 2,922,687। अगले साल बीडी बैलेंस आएगा यही 2,922,687। इस पे लगेगा इफेक्टिव इंटरेस्ट 7%, इसका सॉरी 8%, इसका 8% कितना बनेगा? 233,815। ठीक है, और कूपन हम पे करेंगे 2,10,000 का। दूसरे साल भी हम फाइनेंस कॉस्ट थोड़ी ज्यादा चार्ज करेंगे, जब बॉन्ड्स इश्यू भी पार वैल्यू पे हो रहे हैं, रिडीम भी पार वैल्यू पे हो रहे हैं, तो उसूलन इफेक्टिव और कूपन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए था, लेकिन ट्रांजेक्शन कॉस्ट की वजह से यह फर्क आएगा। सीडी बैलेंस कितना बनेगा?
इट्स 294-6502। ठीक है, तीसरा साल, इसका 8%, टू थ्री फाइव सेवन टू जीरो। कूपन 210, सीडी बैलेंस, टू नाइन सेवन टू ट्रिपल टू, लास्ट ईयर 8%, 23778। कूपन सेम 210, सीडी बैलेंस 3 million। अगर आप इनको टोटल करें तो हमने 4 साल में फाइनेंस कॉस्ट चार्ज कितनी की है और पे कितनी की है? पे तो की है 840, चार्ज कितनी की है? 4 सालों की फाइनेंस कॉस्ट का सम कितना है? 939364। इसमें से पेड माइनस करें, इन दोनों का डिफरेंस देखो कितना बन रहा है, 4 जो हमने प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस माना और इंटरेस्ट पेड जिसको हमने कैश की मद में पे किया, इट इज 99,364। तो हमने जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट चार्ज किया है वो बेसिकली ट्रांजैक्शन कॉस्ट है, जो कि अगर के लायबिलिटी में से लेस ना की जाती तो पहले साल को भरनी पड़ जाती, लेकिन इस केस में वो 4 सालों के ऊपर स्प्रेड हो गई है। ठीक है, अच्छा अब देखो हम इसकी तरफ वापस आ रहे हैं, टेबल की तरफ। फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी, फाइनेंशियल एसेट फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा और ट्रांजैक्शन कॉस्ट उसमें प्लस की जाएगी। अब एक लास्ट चीज इसमें देख लें, इसमें लिखा हुआ है अनलेस मेजर्ड एट एफईटीपीएल। अगर कोई भी फाइनेंशियल एसेट एफईटीपीएल पर रखा जाएगा या कोई भी लायबिलिटी एफईटीपीएल पर रखी जाएगी तो एसेट के कॉस्ट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस नहीं की जाएगी और लायबिलिटी के केस में ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं की जाएगी। तो हमने कहा इनिशियली एसेट को फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाएगा और उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस की जाएगी, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल नॉट बी एडेड इन केस ऑफ एफईडीपीएल। अगर वो फाइनेंशियल एसेट एफईडीपीएल पे आएगा तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट प्लस नहीं की जाएगी। इसी तरीके से यहां पे भी लायबिलिटी में भी, अगर लायबिलिटी एफईडीपीएल पे रखी जाएगी तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट माइनस नहीं की जाएगी,
बल्कि वो उसी साल इमीडिएटली प्रॉफिट लॉस में एक्सपेंस मान ली जाएगी। ओके तो पहला हमने देखा, अगर डेट इंस्ट्रूमेंट है यानी आपके लिए एसेट है और सामने से आपको कोई कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज मिलने हैं तो उसको हम कहते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट। दूसरा आता है इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज नहीं होते। ये किसी कंपनी के ऑर्डरी शेयर्स हो जाएं, हम उसकी बात कर रहे हैं। पहला सवाल, क्या आपकी कंपनी ने ये शेयर्स शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए खरीदे हैं यानी स्पेक्यूलेशन के लिए खरीदे हैं? आपको लग रहा हो अगर कि अभी मार्केट डाउन है, इन्वेस्ट कर लेते हैं, जैसी करेक्शन होगी या मार्केट बढ़ेगी हम इसको बेच देंगे। अगर आपने ये शेयर्स खरीदे हैं ट्रेडिंग की नीयत से, तो आपको ये शेयर्स FVTPL पे रखने पड़ेंगे। यानी आप उन शेयर्स को हर साल रिवैल्यू करेंगे और जो भी फेयर वैल्यू में फ्लक्चुएशंस आएंगी, गेन्स एंड लॉसेस आएंगे, वो सीधा प्रॉफिट लॉस में जाएंगे। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीदे हैं, तो भी ये FVTPL पे जाएंगे। लेकिन IFRS 9 हमें एक ऑप्शन देता है जिस ऑप्शन का नाम है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑप्शन। अगर आप ये ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं करते तो वही होगा जो होने वाला था कि ऑर्डरी शेयर्स को हम FVTPL पे ही रखते हैं। लेकिन अगर कंपनी ने ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो इन शेयर्स को रखा जाएगा FVTOCI पे। एक बात वाज रहे कि ऑर्डरी शेयर्स एमोटाइज्ड कॉस्ट पे कभी भी नहीं रखे जा सकते। ऑर्डरी शेयर्स को रखा जाएगा तो फेयर वैल्यू पे ही रखा जाएगा। फर्क सिर्फ इतना होगा, या तो चेंजेस प्रॉफिट लॉस में जाएंगे या तो चेंजेस अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएंगे, लेकिन शेयर्स हमेशा फेयर वैल्यू पे ही रखे जाएंगे। और एक बात और याद रखें, इसमें से मिलने वाले डिविडेंड इनकम दिस विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड टू प्रॉफिट और लॉस। ऑर्डरी शेयर्स खुद चाहे FVTPL पे रहे या FVTOCI पे रहे, लेकिन ऑर्डरी शेयर्स में से मिलने वाले डिविडेंड्स, याद रहे आप इश्यूअर नहीं हैं, हम इन्वेस्टर हैं, हमने किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, हमारी इक्विटी नहीं है, किसी और की इक्विटी है, हमारे लिए एसेट है, तो हम बैलेंस शीट में उसको या तो FVTPL पे रखेंगे या FVTOCI पे रखेंगे, किसी पे भी रखें, लेकिन इसमें मिलने वाला जितना भी डिविडेंड होगा वो हमेशा प्रॉफिट लॉस में ही जाएगा। ओके, अब हम अमोर्टाइज्ड कॉस्ट को डील कर चुके हैं कि अमोर्टाइज्ड कॉस्ट का मकसद क्या है। ओपनिंग बैलेंस रखा जाएगा, उस पर इफेक्टिव इंटरेस्ट लगाया जाएगा, कूपन माइनस किया जाएगा और सीडी बैलेंस आता जाएगा।
अब हम बाकी दो मेथड्स पे आते हैं। FETPL एंड FETOCI। इनफैक्ट एग्जाम्पल से ही स्टार्ट करते हैं। वही सेम एग्जाम्पल यूज कर लेते हैं जो हमने पहले की थी। ओके, हमें इस फाइनेंशियल एसेट से बिल्कुल क्लियर है कि इसमें से मिलने वाले जो कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज हैं वो सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल की रीपेमेंट है। इसमें कोई कन्वर्जन का ऑप्शन नहीं और कोई भी तीसरा कैश फ्लो नहीं है। मिलने वाले कैश फ्लोज सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल ही है। पहला, अगर बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव होता है By holding the bonds until maturity, तो आप मुझे बताएं कि पहले ऑप्शन में इन बॉन्ड्स को सब्सिक्वेंटली कैसे मेजर किया जाएगा, FETPL पे, FETOCI पे या amortized cost पे? केस ए में ये फाइनेंशियल एसेट किस बेसिस पे मेजर किया जाएगा? अमृता का कहना है FETPL और जवेरिया करी अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। देखें, हमने ये पढ़ा था कि हेल्ड फॉर ट्रेडिंग नहीं है, कैश फ्लो कैरेक्टरिस्टिक्स में टेस्ट मीट हो रहा है और अगर कंपनी हेल्ड टिल मैच्योरिटी से ऑब्जेक्टिव अचीव करती है तो इसको रखा जाएगा अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। तो पहले केस में हम इस फाइनेंशियल एसेट को किस वैल्यू पे रखेंगे? अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। और ये हम पहले सॉल्व कर चुके हैं। यहां थी एग्जाम्पल, 5 मिलियन के बॉन्ड्स हैं, इसकी इश्यू कॉस्ट थी 1,64,540। मैंने इसमें नहीं लिखी है ना, इश्यू कॉस्ट वॉज 1,64,540। तो हमने इसमें ये कॉस्ट कैपिटलाइज कर दी थी और इसको हमने इफेक्टिव और कूपन के थ्रू 5.2 मिलियन पे पहुंचा दिया था। तो इसकी ये वाली अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली पैटर्न की सॉल्यूशन तो हमने किया हुआ है। दूसरा केस, बिजनेस ऑब्जेक्टिव अचीव किया जाता है बाय बोथ सेलिंग एंड होल्डिंग। याद रहे कि बिजनेस मॉडल टेस्ट इज नॉट एन स्पेसिफिक क्वेश्चन, इट इज नॉट एन स्पेसिफिक टेस्ट, इट इज जनरल। तो जनरली पूछा गया कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव कैसे अचीव किया जाता है, तो आपकी तरफ से रिस्पॉन्स आता है कि कभी कभी बॉन्ड्स को मेच्योरिटी तक रखा जाता है और कुछ बॉन्ड्स को बेचा जाता है। अगर ऐसे जवाब दोगे तो एसेट को किस बेसिस पे रखा जाएगा? टेबल की तरफ देख लेते हैं। अगर आपका ऑब्जेक्टिव दोनों से पूरा होता है बाय बोथ, तो हम इसको किस पे रखेंगे? टेबल को देख के बताएं इसको किस वैल्यू पे रखा जाएगा, किस बेसिस पे मेजर किया जाएगा। एफ वी टी ओ सी आई
यस करेक्ट अमृता, दिवेश एंड जवेरिया बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसको अगर आपका बिजनेस मॉडल टेस्ट दोनों से पूरा होता है तो हम इसको FVTOCI पे रखेंगे, लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से आप समझेंगे, FVTOCI थोड़ा डिफरेंट है। अगर आप बुक से देखेंगे तो आपको शायद मुश्किल समझ में आएगा। सॉल्व कर लेते हैं, FVTOCI में करना क्या है। हमने इसको फेयर वैल्यू पे रखना है विद द चेंजेस बीन टेकन टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। लेकिन इसके अंदर आपने इसको अमोर्टाइज करना ही है, ध्यान देना। FVTOCI में ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्लस होगी या नहीं होगी? What do you think? FVTOCI में ट्रांजेक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी या नहीं होगी? अमृता डाउट में है कि नहीं करेंगे शायद। एनीवन एल्स? हाउ शुड बी ट्रांजेक्शन कॉस्ट ट्रीटेड? दिवेश को डाउट है, यस शायद, हाँ उंजला को कहना है नहीं। इनिशियल रिकग्निशन वापस पढ़ लेते हैं। कहा है कि फाइनेंशियल एसेट और फाइनेंशियल लायबिलिटी मस्ट इनिशियली बी रिकॉर्डेड एट फेयर वैल्यू प्लस और माइनस अनलेस मेजर्ड एट FVTPL ट्रांजेक्शन कॉस्ट। कहता है कि अगर आप फाइनेंशियल एसेट या फाइनेंशियल लायबिलिटी को FVTPL पे रखते हैं तो ट्रांजेक्शन कॉस्ट प्लस या माइनस नहीं होगी, लेकिन बाकी दो ऑप्शंस रह जाते हैं, FVTOCI और अमोर्टाइज्ड कॉस्ट। उन दोनों सूरतों में ट्रांजेक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज किया जाएगा। सो द आंसर इज यस। तो इसका ब्रॉड डाउन बैलेंस क्या बनेगा? 5 मिलियन प्लस 1,64,540 जो पहले हमारा बना था। फाइव मिलियन 1,64,540 इस पे आप लगाएंगे इफेक्टिव इंटरेस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना है? 5%। ऊपर हम कैलकुलेट कर चुके हैं पहले ही। इफेक्टिव इंटरेस्ट पहले साल का था 258,227। और कूपन कितना था? 50 लाख का 5%, 2.5 लाख। उस हिसाब से सीडी बैलेंस कितना बन रहा है? हमारे पास ऊपर कैलकुलेटेड है 5,172,767। लेकिन पहले साल के आखिर में इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई है? 5,175। तो हम इसका बैलेंस शीट में रखेंगे वैल्यू 5,175। आपके हिसाब से ये एसेट आ रहा था 5,172,767 पे, लेकिन इसकी फेयर वैल्यू हो गई 5,175। डिफरेंस कितना है और फायदा है या नुकसान है?
अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की वैल्यू और उसमें बेनिफिट डिफरेंस है 2233 का और वैल्यू बढ़ी है, ये गेन हम कहां भेज देंगे, ये गेन हम भेज देंगे इक्विटी में। पहले तो आपने डेबिट करनी है फाइनेंस कॉस्ट, पहले साल की फाइनेंस कॉस्ट कितनी है 258,227। क्रेडिट आपने करना है कैश और बैंक जो कूपन पे कर दिया, कूपन हमने पे किया 250,000। फिर हमने क्रेडिट करना है इक्विटी रिजर्व को, या अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को बाय 2233। डिफरेंस किस तरफ आ रहा है, इनफैक्ट सॉरी मैंने इसको उल्टा पास कर दिया, वी आर इन्वेस्टर्स तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, सॉरी माय मिस्टेक। सबसे पहले हमने क्रेडिट कर दिया इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम हमने क्रेडिट करना है 258,227। डेबिट किया इंटरेस्ट हमें कितना मिला 2.5 लाख, हमने डेबिट कर दिया 250,000 और क्रेडिट कर दिया 2,233,000। डेबिट में बैलेंस कितना आ रहा है, डेबिट कर देंगे सॉरी मुझे एक बार वापस बताइएगा अगर आपने बताया था तो, क्योंकि इंटरनेट प्रॉब्लम आ गया था। डेबिट साइड पे डिफरेंस कितना आ रहा है, ओके तो पहले साल आपने 516450 से स्टार्ट किया था, अगला साल बीडी बैलेंस आएगा जो लास्ट ईयर की फेयर वैल्यू थी 5175।
000. लेकिन रिमेंबर वन थिंग, प्लीज रिमेंबर वन थिंग, इफेक्टिव इंटरेस्ट फेयर वैल्यू पे कैलकुलेट नहीं होगा. अगर क्वेश्चन रिक्वायर करता है एफईटी ओसीआई, तो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट टेबल बनाना लाजिम है. दूसरे साल में हमारा इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना था? 258638. कॉपी पेस्ट करेंगे 258638. अगर क्वेश्चन में हमें सिर्फ और सिर्फ एफईटी ओसीआई ट्रीटमेंट भी करनी है, तो लाजिम होगा कि हम अमोर्टाइजेशन टेबल बनाएं, उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं होगा. ओपनिंग बैलेंस प्लस इफेक्टिव इंटरेस्ट माइनस कूपन, सीडी बैलेंस कितना आ रहा है? दूसरे साल का सीडी बैलेंस कितना है? 518638. जबकि एसेट की फेयर वैल्यू कितनी है? 5182. तो 5183 वाली चीज गिर के 5182 पे आ गई. डिफरेंस कितना है? 1638 का. तो दूसरे साल में आप बेसिकली क्या एंट्री पास कर रहे हैं? डेबिट हम करेंगे कैश और बैंक, 2.5 लाख मिलेंगे हमें वहां से. क्रेडिट हमने किया फाइनेंस इनकम या इंटरेस्ट इनकम 258638 है. आपके पास इक्विटी को डेबिट किया है, इक्विटी डेबिट हुई है 1638 से. और एसेट डेबिट कितने से हो रहा है? 7000 से. चेक करें डेबिट साइड पे डिफरेंस कितना बैठ रहा है? 7000. Because you can see कि हमारा opening balance था 5175 और closing balance है 5182. तो 5175 और 5182 में जो difference है वो 7000 का है. तीसरा साल opening balance लेकिन इंटरेस्ट इस पे नहीं लगेगा. इंटरेस्ट आपने ऊपर से कॉपी लाना है, कॉपी करके लाना है 259070. रिसीव होगा 2.5 लाख. तो सीडी बैलेंस कितना बनेगा?
5191070। जबकि फेयर वैल्यू कितनी है 5189। डिफरेंस कितना है 2070। और ये भी लॉस है, ठीक है। तो तीसरे साल इक्विटी डेबिट होगी, बाकी ट्रीटमेंट्स आपको पता है। लास्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस, लेकिन इफेक्टिव इंटरेस्ट इस पे नहीं लगेगा। इफेक्टिव इंटरेस्ट वही ऊपर वाला होगा, अमोर्टाइज कॉस्ट वाला 259524। रिसीव होंगे 2.5 लाख। सीडी बैलेंस कितना बनेगा, फाइव वन नाइन एट फाइव टू फोर। लेकिन फेयर वैल्यू अब कितनी है 5.2 मिलियन। डिफरेंस कितना है 1476 का, ओके, और पॉजिटिव है। This is how we are supposed to record FVTOCI. FVTOCI के लिए amortization table बनाना जरूरी है। फेयर वैल्यू पे रखेंगे जरूर, लेकिन इंटरेस्ट कभी भी फेयर वैल्यू पे नहीं लगाएंगे। और फेयर वैल्यू में जो भी चेंजेस आएंगे वो इक्विटी में जाएंगे। अच्छा, अब यहां पे याद रहे IAS 16 ने क्या कहा था कि अगर एसेट अपवर्ड रिवैल्यू होता है जिसकी वजह से रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रिएट हो जाता है, अगर किसी वजह से हम एसेट को बेच देते हैं और उसका सरप्लस रह जाता है हमारे पास, तो उस रिवैल्यूएशन सरप्लस को या तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में छोड़ दिया जाएगा या फिर रिटेन अर्निंग्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसको प्रॉफिट और लॉस में रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ऐसा कहना था IAS 16 का। जबकि यहां पे अगर कोई अनरियलाइज्ड गेन या लॉस इक्विटी रिजर्व में रह जाता है this will be recycled to profit loss। ये सिर्फ FVTOCI of debt instrument के ऊपर apply होगा। जो equity instruments का FVTOCI है उसमें recycling allowed नहीं है। सिर्फ और सिर्फ डेट इंस्ट्रूमेंट्स की एफईटीओसीआई में अगर कोई गेन या लॉस रह जाता है तो देख लेते हैं। पहले गेन हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर गेन हुआ, इनका टोटल बताओ कितना बैलेंस रह जाता है। पहले इक्विटी आपने क्रेडिट की, फिर आपने इक्विटी डेबिट की, फिर आपने डेबिट की, लास्ट में फिर आपने क्रेडिट कर दी। देखो इक्विटी में कितना बैलेंस रह गया है,
यस एनीवन, इन चारों का टोटल क्या बैठ रहा है? वन इज बेसिकली राउंड अप डिफरेंस, अदरवाइज इनका टोटल हमेशा जीरो आएगा। अगर आप इंस्ट्रूमेंट को मेच्योरिटी तक पकड़ लेते हैं तो होने वाले गेन्स एंड लॉसेस हमेशा नेट ऑफ ही हो जाएंगे, लेकिन अगर आपने इसको कभी मिड में बेच दिया तो मिड में इसका कोई गेन या लॉस इक्विटी में रह जाएगा, उसको हमने प्रॉफिट लॉस में रिसाइकल करवा देना है। लास्ट टाइम आते हैं एफईटीपीएल पे। फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट लॉस, पहले बात करते हैं इनिशियल मेजरमेंट की। इनिशियल मेजरमेंट में हम इसको रखेंगे फेयर वैल्यू पे, जो कि 5 मिलियन है, और एफईटीपीएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को क्या किया जाएगा? Devesh, it's not actually ignore. You can say it is not capitalized. It is charged immediately टू प्रॉफिट और लॉस। ट्रांजेक्शन कॉस्ट पहले ही साल में प्रॉफिट लॉस में चली जाएगी। अच्छा, अब हमने हर साल क्या करना है? सिर्फ जो आपको कूपन इंटरेस्ट मिलेगा उसको प्रॉफिट लॉस में इनकम ट्रीट किया जाएगा, इस केस में हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट चाहिए भी नहीं, इस केस में हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे? सिंपली आपने रखा ब्रॉड डाउन बैलेंस और सीडी बैलेंस, जो कि दर हकीकत इसकी फेयर वैल्यू है। प्रॉफिट लॉस में जाएगा फेयर वैल्यू गेन या फिर लॉस। अब आपने पहले एसेट को कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है? 5 मिलियन पे। और पहले ही साल के आखिर में इसकी वैल्यू है 5175, इसकी फेयर वैल्यू है 5175। तो 50 लाख वाली चीज 5175 की हो गई। प्रॉफिट लॉस में 175 का गेन दिखाया जाएगा। अब प्रॉफिट लॉस में दो इनकम आएंगी, एक तो 2.5 लाख रुपए की इंटरेस्ट इनकम आएगी और दूसरी 1,75,000 की फेयर वैल्यू गेन। अब ओपनिंग बैलेंस क्या है? 5175,
जबकि दूसरे साल 5182 इसकी फेयर वैल्यू है। अब गेन कितना हो गया, सेवन थाउजेंड का। तीसरा साल ओपनिंग बैलेंस 5182 और फेयर वैल्यू 5189। फिर कितना फायदा है 7000 का, थाउजेंड की फाइनेंस फेयर वैल्यू गेन आएगा और वहां से जो 2.5 लाख रुपए की फाइनेंस इनकम आएगी वो अलग है। ओपनिंग बैलेंस 5189 क्लोजिंग बैलेंस 52 लाख। ग्यारह लाख का गेन। तो पहले साल स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में एक तो जाएगी इंटरेस्ट इनकम जो कि हर साल में सेम रहेगी, ढाई लाख, इसमें इफेक्टिव इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट किया जाएगा। दूसरा रखा जाएगा फेयर वैल्यू गेन और लॉस। तो पहले साल में गेन हुआ है 175 का, दूसरे में 7000 का, तीसरे में 7000 का और चौथे में 11000 का। तीसरा आएगी ट्रांजेक्शन कॉस्ट जो कि सिर्फ पहले साल में थी 1,64,540। ये जाएगा प्रॉफिट लॉस में एज एन इनकम। पहले साल का अमाउंट कितना बन रहा है, 2,60,460। ये बना 257, ये भी बना 257 और ये बना 261। बाकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आप नॉन करेंट एसेट्स में दिखाएंगे फाइनेंशियल एसेट। तो पहले साल इसकी फेयर वैल्यू आ गई थी कितनी, 5175, फिर 5182, फाइव वन एट नाइन,
ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछते हैं। ये हमने तीनों टेक्निक्स करनी, एमोर्टाइज्ड कॉस्ट, एफईटीओसीआई एंड एफईटीपीएल।